सीताराम येचुरी जी, राम गोपाल यादव जी, तारिक अनवर जी, बाबूलाल मरांडी जी, राजा जी, प्रकाश अंबेडकर जी, जयंत चौधरी जी, स्टेज पे सारे नेता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और दूसरे कमरे में जो लोग बैठे हैं उनका भी मैं यहाँ दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आपने गुजरात की बात करी, पत्थर की बात करी, तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। गाड़ी में पत्थर मारा, उसके थोड़ी देर बाद बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा इतना गुस्सा है क्यों नहीं मैं जाकर उनसे बात करूं। तो मैंने गाड़ी रोकी, नारे लगा रहे थे, मैं बाहर निकला और जैसे मैं बाहर निकला बीजेपी के लोग टॉर्च पे बाहर। और मैं आपको बताता हूं, पत्थर भी आगे से नहीं मारा, पत्थर भी पीछे से मारा। तो इनकी क्वालिटी है, जब भी इनके सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, जब भी वो इनके सामने डर के खड़ा हो जाता है, ये सामने फट के दौड़ जाते हैं। ये इनका कैरेक्टर है। अब क्या है क्या नहीं है वो आप जानते हो, अगर मैं आपको इनका कैरेक्टर बताया हूं। और ये जब भी इनके सामने कोई खड़ा होता है, इतिहास से देख लीजिए, आपका समय देख लीजिए, पहले से देख लीजिए, जब भी इनके सामने कोई खड़ा होता है, इनके दिमाग में पहली बात आती है इनके सबसे बड़े नेता अंग्रेजों के काफी सामने खड़े नहीं हो पाए। लंबी चिट्ठियां लिखी, मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से निकालो, जीना नहीं जा रहा है अंडमान निकोबार में, ऐसी चिट्ठी कांग्रेस के किसी नेता ने या किसी भी दूसरी पार्टी के नेता ने उस समय नहीं लिखी और ना वो आज लिख सकता है। तो फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बताता हूं। देश को देखने के दो तरीके होते हैं, लॉग इन करके चेक कर लो। एक व्यक्ति देश को देखता है और कहता है ये देश मेरा है। दूसरा व्यक्ति देश को देखता है और कहता है मैं इस देश का हूं। एक कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है मैं इसका हूं। ये फर्क है आरएसएस में और हमें। आप देखिए, और मैं गहरी बात बोल रहा हूं, जब तक इन्होंने हिंदुस्तान में राज नहीं किया तब तक इन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को सलूट नहीं मारा। अगर इस देश की कमान उनके हाथ में नहीं है तो ये इस देश के नहीं है। ये फर्क है आपने और उनने। हम, ये देश हमारा नहीं है, हम इस देश के हैं। अभी से निकल के आई, देखिए देश किसका होता है, जो देश से कुछ चाहता है। अगर आपको देश से कुछ चाहिए तो फिर आपको कहना पड़ेगा ये मेरा है। अगर आप देश को कुछ देना चाहते हो तो आप कहोगे मैं इसका हूं। अब आप देखिए 2014 में इनकी शुरुआत हुई, वीएमसीपी ने कहा बड़े वायदे किए, सत्ता में आने के लिए कहा
किसानों से कहा तुम इधर आओ, तुम्हारी पूरी मदद होगी। महिलाओं से कहा भगवान ने हम जो भी आप चाहो करेंगे। सेना से कहा ऑनलाइन वन पेंशन 2 मिनट में कर देंगे। सत्ता आई ना 15 लाख का वायदा ना 2 करोड़ रोजगार किसानों को भूल जाइए। ऑनलाइन वन पेंशन कहते हो गया मगर आखिरी करो वहां पे जनता मंत्र में बैठे हुए। आरएसएस कहती है ये देश हमारा है और एक एक कर हिंदुस्तान के लोगों से कह रही है तुम इसके नहीं, ये हमारा है तुम इसके नहीं। पहले माइनॉरिटी से कहा ये हमारा है तुम इसके नहीं। फिर गुजरात में दलितों की कटाई की कहा ये हमारा है तुम इसके नहीं। फिर किसानों के पास गए जब आत्महत्या कर रहे थे किसान उनके नेता ने कहा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कर्जा माफी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जब की जब हमने 30 दिन का वहां पर 30 दिन की यात्रा लगाई और दबाव डाला और हमारे साथ आप सब लोग शामिल थे। अरुण जेटली जी लोकसभा में कहते हैं कर्जा माफी करना हमारा फल हमारी पॉलिसी नहीं। किसान मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूं आरएसएस जानती है कि आरएसएस की विचारधारा हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीत सकती। तो आरएसएस के लोग हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक एक करके अपने लोगों को डाल रहे हैं, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में आरएसएस की विचारधाराओं के लोग डाले जाते और इनका अंत में एक ही लक्ष्य है हिंदुस्तान की आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिलेगा। आप अच्छी तरह सुन लीजिए, घूम फिर के यहीं आएंगे। वन मैन वन वोट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो महात्मा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने और करोड़ों हिंदुस्तानी नागरिकों ने हमें दिया, उस चीज को आरएसएस खत्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहता है। ये कहते हैं इनका और कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक इस देश में वन मैन वन वोट रहेगा ये देश उनका कभी हो नहीं सकता है। और जिस दिन हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में अपने लोग बैठा दिए और आरएसएस के लोग कोर्ट्स में, ब्यूरोक्रेसी में, सेना में, जन मीडिया में जिस दिन सब के सब बैठ गए उस दिन ये देश उनका होगा। और फिर ये आप सबसे कहेंगे, आप सबसे कहेंगे अब ये देश तुम्हारा नहीं है, अब ये देश हमारा है। ये लड़ाई और लड़ने का तरीका सिर्फ एक है। शरद यादव जी से मेरी बात हुई, हर ऑपोजिशन के नेता के साथ मेरी बात हुई है कि अगर इनसे लड़ना है
साथ मिलकर लड़ना है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं ये देश हमारा है, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं हम इस देश के हैं। एक तरफ जो लोग इस देश को लूटना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो इस देश को देना चाहते हैं। अब देखिए कसम आपकी मेरे बात की, पिछले दो साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,30,000 करोड़ रुपए 10-15 उद्योगपतियों का बांट दिया है। तमिलनाडु के किसान, राजा जी बैठे, तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पे नंगे बैठे हुए बैठे हैं। हर प्रदेश का किसान रो रहा है, मगर नहीं, तुम इस देश में नहीं हो। इस देश, ये देश सिर्फ 15-20 उद्योगपतियों का है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। और मोदी जी की पूरी मार्केटिंग वो रामदेव जी एक ही सिस्टम है भैया। हिंदुस्तान को 15-20 लोगों के हवाले कर दो, पूरी की पूरी पॉलिसी इन 20 लोग, ये 20 लोग चलाएं, और ये 20 लोग मोदी जी की मार्केटिंग शानदार तरीके से करते हैं। ये है आज हिंदुस्तान की राजनीति। बातचीत होती रहती है, मैंने पहले भी कहा डरो मत, हमारे वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, देखो उसको डाले पहले भी कैसी बात कर रहे हो, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार है, मोदी जी है, बहुत बड़ी शक्ति है। सच्चाई से कोई बड़ी शक्ति नहीं होती, तो चाहे मोदी हो या कोई और हो, अगर वो सच पटने के नहीं चलेगा तो गिरेगा। तो आप भी करो मत, थोड़ी सी न्यूज छाप लिया करो, सबकी छत छापने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं, मगर 10-15% आप भी छाप लिया करो। अच्छा आखिरी बात, हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलाना, हिंदुस्तान में आपको एक युवा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं काम नहीं करना चाहता। हर एक युवा काम करना चाहता है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, जहां भी देखो मेड इन चाइना, टेलीफोन देखो मेड इन चाइना, वीडियो देखो मेड इन चाइना। सच्चाई है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया फेल हो गया है। पार्लियामेंट में हमने पूछा, उनके मंत्री से पूछा, ये बताइए कितने लोगों को आपने हिंदुस्तान में पिछले साल रोजगार दिलवाया। कहता है इस साल ही पिछले साल हमने 1,00,000 लोगों को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दिलवाया। वाह, कहां 2 करोड़ और कहां 1,00,000। अच्छा नहीं, सुनो मेरी बात है,
ये बात सुनो, 1 लाख में से 30,000 को कर्नाटक सरकार ने दिलवाया। फिर कहते इस साल जितनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है पिछले 8 साल में नहीं हुई। इस साल हमने रोजगार दिलवाया नहीं, इस साल रोजगार घट गया है, छीन लिया हमने। और उधर मोदी जी भाषण करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। कल मैंने भाषण में बोला, मोदी जी कहते हैं हमें स्वच्छ भारत चाहिए और हम कहते हैं हमें स्वच्छ भारत चाहिए। हमें आपका झूठा भारत नहीं चाहिए। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ झूठ मोदी जी बोल जाते हैं, सही बात है। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, अगर हम सब मिलकर लड़ रहे हैं